क्वेश्चन हमारा दिया है, यदि टेन ए बराबर एक है तो सेक एक का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर टेन ए बराबर दे रखा है एक, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान बटे में आ रहा है, और यहाँ पर एक बटे में वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए इसे हमें बटे में एक लगा करके बटा बना लेंगे। अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज बना देते हैं। समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो ये हो जाएगा कोण ए, कोण बी, कोण सी। यहाँ कोण बी 90 अंश का कोण है, इसलिए इसके सामने की भुजा हो जाएगी कर्ण ऐ भैया हलाओ थोड़ा शांत रहो कब जाते हैं। सामने भुजा हो गई कर्ण, और यहाँ कोण ए लिया गया, इसलिए बंदर को बैठा देंगे कोण ए पर। जिस भुजा पे बंदर बैठता है उसे कहते हैं आधार। चलिए लिख देते हैं आधार हो गया, और ये भुजा हो जाएगी लंब। यहाँ से आधार के सामने एक लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ आधार हो गया एक, और लंब के सामने एक लिखा हुआ इसलिए लंब भी हो गया एक। यहाँ पे कर्ण की वैल्यू नहीं दी गई है, चलिए कर्ण की वैल्यू निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस परमे सी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण की वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए कर्ण को हम ए से लेकर सी तक की दूरी मान लेते हैं। ए सी तो हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर आधार की वैल्यू दी हुई है वन, यहाँ हो गया वन का स्क्वायर प्लस लंब की वैल्यू भी दी हुई है वन, यहाँ पर लंब का मान एक दिया हुआ तो यहाँ रख लेंगे हम एक का स्क्वायर। यहाँ से ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा वन का स्क्वायर वन प्लस वन का स्क्वायर वन, तो वन वन हो जाएगा टू, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू। यहाँ से ए सी का स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा रूट का टू। यहाँ से कर्ण का मान निकल आया रूट टू। उसके बाद हमें मान निकालना है सेक ए का, चलिए निकाल लेते हैं सेक ए। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। यहाँ से कर्ण का मान आ गया रूट टू, तो इसलिए कर्ण के बराबर में हो जाएगा रूट टू, और आधार का मान वन है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वन। सेक ए का मान आ गया रूट टू बटे वन, या हम इसको लिख सकते हैं सेक ए बराबर रूट टू। थैंक यू।